आज का पहला प्रश्न, हमारे शरीर मन और बुद्धि पर उपवास का क्या असर पड़ता है? देखिए, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है, अब चाहे वह उपवास हो या फिर अधिक भोजन खाना। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा पौष्टिक आहार लेने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और ज्यादा लंबे समय तक चलेगा, तो आपकी यह धारणा भी गलत है। अधिक भोजन भी शरीर को नुकसान देता है, और बात अगर फास्टिंग की जाए यानी व्रत, तो उपवास रखना शरीर के लिए अच्छा है, परंतु उपवास की भी अगर अति कर दी जाए तब यह शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। लगभग सभी धर्मों में उपवास की कहीं ना कहीं मान्यता है, और आज विज्ञान भी इसे मानता है। वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे कुछ प्रयोग हुए जिसमें यह पता लगा कि अगर किसी व्यक्ति को अधिक भोजन दिया जाए, मतलब व्यक्ति वो जो बहुत ज्यादा भोजन करता हो, उस व्यक्ति की आयु भी लंबी नहीं होती, क्योंकि आप जितना भी भोजन करेंगे उस भोजन को पचाने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब आप कहेंगे कि भोजन करने से शरीर को शक्ति तो मिलती ही है, तभी आप इस शरीर से कार्य ले सकते हैं, परंतु भोजन को पचाने के लिए भी शरीर को अपनी शक्ति गंवानी पड़ती है। तो अगर शरीर को लिमिटेड भोजन दिया जाए तो आपके शरीर को उस कम भोजन को पचाने में ज्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब व्यक्ति अपनी उम्र लंबी जी सकता है। तो इसीलिए तथाकथित धार्मिक लोग जो उपवास करते रहते हैं, उनकी आयु सामान्य व्यक्तियों से थोड़ी अधिक हो जाती है और शरीर में बीमारियां भी कम होती हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे शरीर का जो सिस्टम है, इस शरीर का हर एक अंग, एक एक अणु अपना अपना कार्य कर रहा है। अगर आप शरीर में भोजन अधिक डालोगे तब आपके शरीर के सिस्टम को कार्य भी अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि भोजन पचाना जो है और शरीर के कार्य में कोई बाधा ना आए तो शरीर को सुलाना भी आवश्यक है। तब प्राकृतिक रूप से आपको आलस्य आने लगता है, ताकि शरीर भोजन पचाने में व्यस्त हो सके। अगर आप शरीर के सभी अंगों से अधिक काम लोगे तब उनके कार्य करने की क्षमता जल्दी खत्म हो जाएगी, जिससे मृत्यु भी जल्दी आ जाएगी। और मृत्यु इसी वजह से तो होती है कि जब यह शरीर पुराना हो जाता है, आत्मा के रहने लायक नहीं रहता, तब ऊर्जा को शरीर से निकलना ही होता है। अगर आपके शरीर के सभी अंग ठीक हैं और प्रॉपर काम कर रहे हैं, तब मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ा या सुना होगा, वे आज के मनुष्य के हिसाब से बहुत अधिक जीते थे तथा उनका शरीर स्वस्थ रहता था। उस समय आज जितनी बीमारियां नहीं थी, जैसे आप लोग आज देखते होंगे कि साधारण मनुष्य की इंद्रियां बहुत जल्दी काम करना बंद कर देती हैं या ठीक से काम नहीं कर पाती, जैसे आंखों की रोशनी। आज का मनुष्य बहुत कम उम्र पर ही अपनी आंखों की रोशनी को खोने लगता है, उसके दांत, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, आज के मनुष्य की सभी इंद्रियों की यह शक्ति बहुत जल्दी खत्म होने लगती है, क्योंकि आजकल इनका इस्तेमाल भी बहुत अधिक हो रहा है। तो सीधा सा साइंस है, जिस किसी वस्तु को आप अधिक उपयोग में लाओगे, उससे सामान्य से अधिक काम लोगे, तब वह वस्तु जल्दी खराब हो जाएगी। ऐसे ही मनुष्य के शरीर का सिस्टम है, इसे हमें बैलेंस में रखना चाहिए, सही अनुपात में भोजन लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अपने शरीर के साथ में अत्याचार करो, उसे हमेशा भूखा ही रखो, परंतु सामान्य से अधिक भोजन नहीं लेना चाहिए। आजकल हम कुछ भी बिना सोचे समझे खा लेते हैं, स्वादिष्ट होता है तो हम अधिक खा लेते हैं, जबकि पृथ्वी पर और जीव वे सामान्य से अधिक नहीं खाते। उनको जितनी आवश्यकता होती है, जितना उनके शरीर को चाहिए, वे उतना ही खाते हैं, परंतु हम मनुष्य अपनी जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। अब ये कानून खाने पर ही लागू नहीं होता, बाकी सभी चीजों को हमें बैलेंस करके रखना चाहिए। आप आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो आप अपनी इन भौतिक आंखों का इस्तेमाल कम कर रहे होते हैं, सांसारिक चीजें नहीं देख रहे होते हैं, जिससे आप अपनी आंखों की रोशनी की शक्ति को रिजर्व रख पाते हैं, और आपके बूढ़े होने के बाद भी आपकी आंखें कमजोर नहीं होंगी। इसी प्रकार से अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं तो आप अपने शरीर और मन की प्रवृत्ति को जानने लगते हैं कि आपके शरीर को किन किन चीजों की और कब कब आवश्यकता है, आपको कोई सी चीज कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, सर मैं पॉर्न वीडियो देखने का एडिक्टेड हो चुका हूं, अब मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूं, मेरा आत्महत्या करने का मन करता है, मुझे कोई मार्ग बताइए। देखिए, एक उम्र में काम वासना का सक्रिय होना बिल्कुल प्राकृतिक है,
इस उम्र में आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, काम वासना सक्रिय हो रही है, तो आपने कोई गुनाह नहीं किया है, ये सबके साथ होता है। अब आप ये कहेंगे कि मेरे साथ कुछ अधिक हो रहा है। देखिए, कम या ज्यादा का कोई पैरामीटर नहीं है। अगर आपके भीतर कोई चीज सक्रिय हुई है तो उसे प्रकृति ने सक्रिय किया है। आप अपने आप को दोषी मानेंगे तब आप अपनी चेतना को और कष्ट में डालोगे, आपकी बुद्धि कमजोर होने लगेगी। और मैंने आपका प्रश्न व्हाट्सएप पर देखा, आपने अपनी डीपी पर स्वामी विवेकानंद जी की फोटो को लगाया है। इसका मतलब साफ है, आप कुछ और होना चाहते हैं लेकिन प्रकृति आपको अपने हिसाब से चला रही है। देखिए, ब्रह्मचर्य अच्छी चीज है। अगर किसी व्यक्ति का ब्रह्मचर्य सध जाता है तब वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से थोड़ा ऊपर चला जाता है, उसके भीतर की संभावनाएं सामान्य व्यक्ति से थोड़ी अधिक हो जाती हैं, आध्यात्म में उसकी गति भी होती है और कुंडलिनी को भी काम वासना की शक्ति ही एक्टिवेट करती है। परंतु इस दुनिया में से हर व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पीछे बिल्कुल सिंपल विज्ञान है। हर व्यक्ति एक ही स्वभाव का नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद जी की डीपी लगाने का अर्थ यह है कि आप उनकी तरह ब्रह्मचारी होना चाहते हैं, उनकी तरह सन्यासी बनना चाहते हैं और उनके दिमाग की जो क्षमता थी आप वह पाना चाहते हैं। इसीलिए आपके भीतर जब काम वासना उठती है और आप हस्तमैथुन कर लेते हैं, फिर बाद में आप बहुत पछताते हैं, अपने आप को दोषी मानते हैं और आपका आत्महत्या करने का मन करता है। तो आप एक बात जान लो, इस पृथ्वी पर स्वामी विवेकानंद जी केवल एक ही पैदा हुए थे, प्रकृति ने एक ही बनाया था। अब ये प्रकृति या ईश्वर स्वामी विवेकानंद जी जैसा कोई दूसरा नहीं बना सकती। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो अब तक ना जाने कितने सारे स्वामी विवेकानंद जी बन जाते, कितने बुद्ध बन जाते, कितने महावीर और कितने कृष्ण बन जाते, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इन्हें फॉलो करते हैं और इनके जैसी दिनचर्या भी अपनाते हैं। परंतु वो कभी वो नहीं बन सकते। अगर कोई व्यक्ति सन्यासी बन जाता है या कोई ब्रह्मचारी बन जाता है तो एक बात जान लो, उनके भीतर ये सन्यासी और ब्रह्मचर्य का बीज पहले से ही मौजूद था। ये उनके पिछले संस्कारों में था, उनकी पिछली आध्यात्मिक यात्रा लंबी रही होगी। पिछली से मेरा मतलब है पिछले जन्मों में। इसीलिए लाखों करोड़ों में कोई एक सन्यासी बन पाता है या ब्रह्मचारी बन पाता है, और ये उनके लिए बनना स्वाभाविक था। वो बने नहीं, प्राकृतिक रूप से हो गए। अगर स्वामी विवेकानंद जी या बुद्ध जैसा व्यक्ति आपके जैसी जिंदगी जीना चाहता भी तो भी नहीं जी सकता था, क्योंकि उनके जीवन में जो घटना घटी वह प्राकृतिक थी, स्वाभाविक थी, वह उनके साथ ही होना था। जिसमें जितनी पात्रता होती है यह प्रकृति स्वतः ही उसे वो दे देती है। आप जबरन कुछ और बनना चाहते हैं, किसी को देखकर सुनकर पढ़कर उससे प्रेरित हो जाते हैं और फिर पूरा जीवन वही बनने का प्रयास करते रहते हैं। और वह बनने के प्रयास में बीच बीच में आपको जो कठिनाइयां होती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, या आपका संकल्प टूटता है तब आप दुखी हो जाते हैं। एक दुखी व्यक्ति, उसकी आध्यात्मिक यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती। तो आपको ईश्वर ने जैसा बनाया, आप जैसे हो, प्रकृति जो आपसे करवा रही है उसे अहोभाव से स्वीकारो। और हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करो। जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य बनाओ जिस लक्ष्य को पाने के लिए आपके अंदर पागलपन पैदा हो जाए और आपका मन पूरी तरह से उसी में लगा रहे, उसी में उलझा रहे। अगर आप किसी चीज में व्यस्त हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, तब आपका ध्यान उस ओर जाएगा ही नहीं। इससे आपकी अति कम हो जाएगी और अति तो किसी भी चीज की खराब है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी।